भुंतर नगर 17 भुंतर 12 साल बाद सबसे अधिक गर्म, इस दिन से मिलने वाली है राहत। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। 8 जिले लू की चपेट में हैं। रविवार को भी सिरमौर जिला के नाहन, मंडी जिला के सुंदरनगर के अलावा सोलन और ऊना में भीषण लू चली। इसके अलावा शिमला, भुंतर, धर्मशाला, मनाली, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी लू का प्रकोप रहा। रविवार को कुल्लू जिला के भुंतर का तापमान 10 साल में सबसे अधिक रहा। रविवार को यहां पारा 38.6 रहा, वहीं इससे पहले 2012 में 38.8 रहा था। हालांकि 31 मई 1988 को भुंतर में ये 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मनाली में रविवार को 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो 2022 में भी यही था। 2007 में ये 32.0 और 2009 में 31.3 था। यानी 2009 के बाद मनाली का तापमान भी उच्चतम रहा। इसी तरह सुंदरनगर में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 2007 में ये 42.1 डिग्री सेल्सियस था और 2019 में 41.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर मौसम केंद्र शिमला ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर जिलों के कुछ क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा, सोलन, कुल्लू और शिमला के कुछ क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा और कुल्लू में भी लू का प्रकोप रहा। शिमला में भी भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा। हिमाचल प्रदेश में गर्मी और सूखे की चपेट में सेब सहित अन्य फसलें आ गई हैं। बारिश न होने की वजह से सेब के फल और पत्ते मुरझाने लगे हैं। इसी तरह राज्य में शिमला मिर्च, मटर आदि नकदी फसलें भी सूखे की चपेट में आ गई हैं। हालांकि 19 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। प्रदेश भर के कुछ स्थानों पर 19 से 21 जून तक बारिश के आसार हैं। इससे राज्य में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। भीषण गर्मी के चलते लोगों को चक्कर आने, नकसीर चलने के मामले सामने आने लगे हैं। सिविल अस्पताल ददाहू में गर्मी के सताए 10 से 15 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी समेत ORS का सेवन करना चाहिए। ये सुंदरनगर में 2 मंजिला स्लेटपोश मकान जला, 11 भेड़ बकरियां जिंदा जली। सुंदरनगर उपमंडल की पिछड़ी व दुर्गम ग्राम पंचायत जरल के जरल गांव में 2 मंजिला स्लेटनुमा मकान व साथ लगती गौशाला आगजनी के कारण जलकर राख हो गए हैं। इस घटना के दौरान समय रहते घर के अंदर मौजूद 2 बच्चों व 1 बुजुर्ग महिला को बाहर निकाल दिया गया, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। आगजनी की घटना में प्रभावित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। आगजनी के बारे में जब स्थानीय ग्रामीणों को पता लगा तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर घर के अंदर मौजूद 2 बच्चों व 1 बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन निचली मंजिल में बंदी 11 भेड़ बकरियां जिंदा ही जल गई। ग्रामीणों व दमकल विभाग की टीम ने आग काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रदेश में बढ़ रहा जल संकट, सरकार खामोश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश जल संकट से गुजर रहा है। पानी की आपूर्ति पूरे प्रदेश में प्रभावित है। पर्यटन सीजन चल रहा है, लेकिन हर जगह पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर 4 से 5 दिन में पानी आ रहा है। कई जगहों पर हालात और भी बुरे हैं। पूरे प्रदेश का यही हाल है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। सरकार इस जल संकट को हल करने के लिए गंभीरता से काम नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह पहले से तय था कि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ती है। पर्यटन सीजन की वजह से प्रदेश में भारी संख्या में लोग आते हैं,
जिस वजह से होटलों में भी पानी की खपत बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए खास प्रबंध होने चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। 16 साल का लड़का व 15 वर्षीय लड़की ने लगाया था फंदा, शवों की हुई पहचान। हिमाचल प्रदेश के नाहन विकास खंड के सैन की सेर पंचायत में शीशम के पेड़ पर लटके मिले लड़का लड़की के शवों के सनसनीखेज मामले में ताज़ा जानकारी सामने आई है। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई है। इसके मुताबिक 16 वर्षीय लड़का पांवटा साहिब के माजरी गांव का रहने वाला था, जबकि 15 साल की लड़की परदूनी पंचायत के मेहराड़ गाँव की रहने वाली थी। लड़की के परिजनों ने बेटी को अगवा करने का मामला 6 जून 2024 को माजरा पुलिस थाना में दर्ज करवाया था। अंतिम समाचार के मुताबिक शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद शवों का अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अपने स्तर पर प्रेम प्रसंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिस्थिति के आधार पर चर्चा यही है कि प्रेम प्रसंग में ही नाबालिगों ने खौफनाक कदम उठा लिया। ग्रीष्मोत्सव का शानदार आगाज, कुलदीप की नाटियों पर झूमे दर्शक। राजधानी शिमला में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2024 का आगाज हो गया। उत्सव 18 जून तक चलेगा। कार्यक्रम के पहले दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनार्था, महापौर सुरेंद्र चौहान और उपमहापौर उमा कौशल भी उपस्थित रहीं। हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा ने नाटियों से समा बांधा। पहले दिन गौरव पठानिया, मनसा पंडित, ओम प्रकाश गर्ग, शांति हेटा, इंजेड सीसी पटियाला के कलाकारों कुलदीप धीमान तथा कलाकार रमेश कटोच ने प्रस्तुतियां दी। पहाड़ी और फिल्मी गानों पर लोगों ने जमकर डांस किया। दिल्ली लेह बस से छिना सबसे लंबे रूट का दर्जा, अब अवाहदेवी अयोध्या सबसे लंबा रूट। HRTC का दिल्ली लेह रूट अब देश का सबसे लंबा बस रूट नहीं रहा। HRTC केलांग डिपो से अब ये दर्जा छिन गया है। हमीरपुर डिपो की अवाहदेवी अयोध्या रूट पर चलने वाली बस सेवा अब सबसे लंबे रूट में शुमार हो गई है। हालांकि 15,000 से 17,000 फुट की ऊंचाई पर चलने के कारण दिल्ली लेह बस को सबसे ऊंचे रूट का दर्जा बरकरार रहेगा। करीब 16 साल तक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली लेह सेवा को भारत में सबसे लंबे रूट का दर्जा प्राप्त था। अब ये खिताब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिपो को मिल गया है। हिमाचल में JBT को अब करना होगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स। प्रदेश के स्कूलों में एक साल पहले नियुक्त हुए JBT को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी स्कूल अपने यहां नियुक्त हुए JBT शिक्षकों की लिस्ट शैक्षणिक योग्यता सहित भेजे। इसके साथ ही ये भी बताए कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिन्होंने पहले ही ये ब्रिज कोर्स किया है और कितने शिक्षकों को कोर्स करवाया जाना है। कोर्स करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।